हेलो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आपका सी ए फाइनल का स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूशन नवंबर 19 एग्ज़ाम का पेपर कैसा आया था मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर कैसा आया था ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करता है जो फ्यूचर में एग्ज़ाम लिखने वाले हैं सो so, अगर आप मे ट्वेंटी के स्टूडेंट हैं तो कृपया इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुने आप हमसे पढ़े हैं या ना पढ़े हैं ओके सो एस सी एम नवम्बर नाइनटीन का एग्ज़ाम रिव्यू अगर आपने मेरे फ्रेंड से लिया है तो सब ने कहा है कि अच्छा था अच्छा था अच्छा था खराब था नहीं सुना बहुत अच्छा था नहीं सुना क्यों क्योंकि पेपर आता था लिखने का समय कम मिल रहा था पेपर आता था थोड़ा सोच सोच के करना पड़ा था हो रहा था लेकिन 100 परसेंट करने का समय नहीं मिल रहा था मैंने जब स्टूडेंट से काफी जगह अलग अलग रिव्यू लिए तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आता सब था मैंने 80 का लिखा आता सब था मैंने 90 का लिखा तो उनमें जब पूछा हूं कि कहाँ से ज्यादा पेपर आया या हमने जब पेपर लेके भी एनालाइज किया तो मैं आपको बताऊंगा अभी कहां से ज्यादा पेपर आया तो एक ऑब्वियस आंसर है जो आप सबको पता है कि कहां से ज्यादा पेपर आया होगा ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट के जितने रेफरेंस मटीरियल है वहाँ से इंस्टीट्यूट ने क्या किया बड़ी करामाती से कुछ कुछ क्वेश्चन को नाम चेंज करके दिया कुछ कुछ क्वेश्चन को दो क्वेश्चन को तीन क्वेश्चन को अलग अलग जो हमने पढ़ते हैं उसको जोड़ के दिया बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाया और कुछ मिलता जुलता सही क्वेश्चन एकदम सिर्फ नाम चेंज करके दे दिया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का और वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क पे 20 मार्क का आया जैसे मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्योर हॉस्पिटल को लेके नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल था नॉट फॉर प्रॉफिट पे वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क लगता है अब देखिए ये क्वेश्चन एक दो तीन चार पेज तक चला जा रहा है ऑलमोस्ट फोर एंड हाफ तक आ गया तो ऐसे में मैंने जैसे आपको लास्ट मिनट में भी कुछ एक ऑडियो फाइल के थ्रू टिप्स दिया था कि केस स्टडी शुरुआत से कभी नहीं करना चाहिए एक स्टूडेंट को हमेशा लास्ट में जाएंगे जितना टाइम बचाओगा उसमें जितना हाथ चला उतना लिखेंगे जैसे आप याद करिए हिंदी के एग्ज़ाम में हम लोग के निबंध लिखने आते थे क्लास टेन अगर आपने हिंदी का एग्ज़ाम दिया है तो हमें याद आता है तो निबंध लिखने का काम कभी स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो पेपर छूट ही जाएगा क्योंकि तो निबंध ऐसा चीज़ है कि खत्म नहीं होता वैसे केस स्टडी भी ऐसा है कि खत्म करना पड़ेगा आपको मजबूरी में ख़त्म होता नहीं है इतना बड़ा तो पढ़ना पड़ता है उसके बाद लिखना पड़ता है सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम इसके कारण हो सकता है कि आपका जो चीज़ आता है वो छूट जाए तो फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है वापस कि आप इस केस स्टडी को क्या करोगे लास्ट में हमेशा अटैम्प्ट करोगे अगर पहला क्वेश्चन केस स्टडी मिला तो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो जे चैप्टर से आया है सेकेंड क्वेश्चन कहाँ से आया है जे चैप्टर से आया है एक जे प्रोडक्शन का हम लोग क्लास में भी सम करते हैं आप अगर हमारे से नहीं पढ़े हैं तो कोई भी सर से पढ़े होंगे या इंस्टीट्यूट मैट भी देखोगे तो उसमें भी मिल जाएगा जे प्रोडक्शन का सम करते जिसमें नॉर्मल प्रोडक्शन सिस्टम को जे प्रोडक्शन सिस्टम से कंपेयर करते हैं ये निकालने के लिए कि नेट सेविंग्स क्या हो रहा है तो उसका एक सिमिलर क्वेश्चन आया बहुत ईजी सा क्वेश्चन ऐसा सेम क्वेश्चन अपने मैट में भी है और उसको लेकर कैलकुलेशन सोलह मार्क का और कमेंट्स छोटा सा आराम से लिखने लायक जे इतना प्यारा चैप्टर होता है कि आप उसका कोई भी कमेंट आराम से लिख सकते हो भर भर के लिख सकते हो चार मार्क का तो क्वेश्चन टू एकदम ग्रैब करने वाला क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन डिविजनल ट्रांसफर प्राइजिंग से आया जिसमें आर और आर रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन थे ये क्वेश्चन एक्चुअली आरटीपी अभी अगर आपने इस जस्ट एग्जाम के पहले वाला आरटीपी यानी कि नवंबर 19 का आरटीपी पढ़ा होगा तो उसमें भी आया था उसमें बहुत सारे सिचुएशन थे उसका कुछ सिचुएशन इसने रखा टाइम एनालिसिस अंडर जे टी पे एक सम हम लोग करते हैं कि फाइंड नॉन वैल्यू एडिंग टाइम फाइंड वैल्यू एडिंग टाइम फाइंड साइकिल एफिशियंसी ऐसा क्वेश्चन करते उसके ऊपर कैलकुलेशन आ गया बहुत ईजी सा और बैलेंस स्कोर कार्ड में आपको याद होगा चार पर्सपेक्टिव होता था तो कई बार अपने कुछ मेजर्स जो लिए होते थे उसको अपने चार पर्सपेक्टिव में फिल्टर करते थे तो चारों पर्सपेक्टिव में आपको बांटने का यहाँ पे क्वेश्चन एक कंबाइंड क्वेश्चन बना के दिया जो करने लायक था अगर अपने क्ला बैठे पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट याद है तो कैलकुलेशन छोटा 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 करते चलो मार्क्स उठाते चलो तो मेरे नज़र में ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान पूरा अपॉर्चुनिटी ग्रैप करने वाला था और आर देखा हुआ तो पहला पाँच मार्क तो बहुत आसान लगे और जे अच्छे से किया हो तो सात मार्क और बैलेंस स्कोर कार्ड तो कॉन्सेप्ट सही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर में पहला पार्ट ए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे आया ओके okay? जो पाँच मार्क का था मैं नीचे दिखा दूंगा आपको जिसमें एक सिंपल सा कॉस्ट शीट बनाने बोला बहुत इजी सारा कॉस्ट को जोड़ने का काम था और इसी के साथ एक ऑप्शनल क्वेश्चन था जो ट्रिपल बॉटम लाइन पे था जिसमें पीपल प्लानेट और प्रॉफिट को लेकर कुछ सिचुएशन आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करने थे तो दोनों ही क्वेश्चन मैनेजेबल था इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी था नेक्स्ट इसमें एक के स्टडी टाइप का क्वेश्चन एथिकल कंसिडरेशन एम्प्लॉय को बचाने के लिए एक कंपनी या एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर को कम करने के लिए एक कंपनी ने अपने बहुत ही प्रॉफिटेबल क्लाइंट को छोड़ दिया तो उसने वो सही किया कि नहीं किया इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और उसके साथ उसने जोड़ा कि अगर कोई भी काम को का आउटसोर्स किया जाए मेक और बाइक किया जाए तो क्या अदर फैक्टर्स आप ध्यान रखोगे जो अपने एकदम मुँह जबानी याद रखते हैं क्लास में डिसीजन मेकिंग आउटसोर्सिंग मेक और बाय पे इतना सारा चीज़ पढ़ते हैं इजीली हम लोग बता पाते हैं सो so, ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो हम कर सकते थे डिविजनल ट्रांसफर प्राइस का ये दस मार्क का क्वेश्चन एकदम कैलकुलेशन ओरियंटेड ऐसा सिमिलर सम क्लास में किया हुआ होता है जिसमें सिंपल प्रॉफिट निकालना और देखना है कि ग्रुप का इंटरेस्ट कैसे बचाया जा सके उसके ऊपर ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन फोर भी एकदम करने लायक क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में हम आते हैं तो आपको याद है क्या हम लोग स्पेशल अटेंशन देके आपको जे चैप्टर में कराए थे ओई ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जिसमें तीन रेशियो था अवेलेबिलिटी रेशियो परफॉर्मेंस रेशियो और क्वालिटी रेशियो उसको लेके कैलकुलेशन दिया बहुत आसान छः मार्क का और एक टी पी में कनेक्शन फाइंड करने बोला इसके ऊपर एक ऑलरेडी अपने इंस्टीट्यूट मैट में केस स्टडी था तो आई विल से ये भी एकदम किया हुआ क्वेश्चन में से उठ के आया ए बी सी बेस्ड वेरियंस के ऊपर तो मैंने यूट्यूब में पहले भी वीडियोज़ छोड़े हुए हैं तो कई सारे स्टूडेंट ने उसको देखा है फ़ायदा उठाया है और क्लास में भी हमने यही बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग जितना पढ़े हैं शुरुआत से वो सब बेसिक पढ़ाई है एग्ज़ाम में ज़्यादा एंड के तरफ का रहा एडवांस पढ़ाई जैसे कि ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग और प्लानिंग वेरियंट्स जैसे कि ए बी सी बेस्ड वेरियंट्स जैसे कि लर्निंग कर बेस वेरियंट्स ये सब ज़्यादा एग्ज़ाम को पसंद आ रहा है रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट्स यही इम्फेसिस देने वाला है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग का सारा वेरिएंस को इग्नोर कर देंगे वो भी नहीं चलेगा आपको वो सब भी पढ़ना पड़ेगा उस पर भी इंटरप्रिटेशन क्रॉस लिंक आपको जानना पड़ेगा पढ़ना सब कुछ है बट इम्फेस ज़्यादा लास्ट के तरफ का पढ़ाई पे था तो वही एज़ यूजल लास्ट टर्म भी एबीसी बेस्ड वेरियंस पर क्वेश्चन आया इस बार भी आ गया इंक्लूडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियंस नेक्स्ट मेक और बाय पे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया क्वेश्चन सिक्स एकदम आसान सा सेम सम जो क्लास में भी किया हुआ हो और फीडबैक फिट फॉरवर्ड पे भी एक केस स्टडी आया था जो अगेन क्लास में भी किया हुआ या इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी आपको मिल जाएगा सो ऑल इन ऑल बस आता सभी कुछ होता है हमें इस पेपर में समय का एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम अपने एग्जाम के पहले पूरा तीन घंटा में कि छः का छः क्वेश्चन कैसे करें मतलब छः में बेसिकली आपको पाँच ही करना होता है तो पाँच का पाँच क्वेश्चन हम कैसे करें उसका अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो पेपर छूटेगा कॉस्टिंग में एक ही सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए भविष्य के लिए आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने पे बहुत एम्फेसिस देना है अगर आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज है ना तो आप कोई भी चीज़ करके आ सकते हो मैं आपको आगे दिखाता हूँ एक बार पेपर आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका वही जो मैं बोला था के स्टडी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट यानी ट्रिपल सॉरी वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क वाला मैं आपको जस्ट हाईलाइट में दिखा दे रहा हूँ देखो कितना बड़ा केस स्टडी है इसको तो लास्ट के लिए ही रखना चाहिए वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क पे ज़्यादा हो एम्फेसिस से नेक्स्ट ये जे प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है जिसमें चार क्वार्टर है उसका नॉर्मल प्रोडक्शन साइकिल भी बताया हुआ है और जे आई बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम बताया हुआ उसका वेरिएबल कॉस्ट बताया हुआ है फिगर चेंज करके ये क्वेश्चन बनाया गया ऐसा सेम क्वेश्चन अपने क्लास में किए हुए हैं okay? ओके या इंस्टीट्यूट मैट में भी है और नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन वही जो मैं बोला कॉम्बो बनाया ना डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइजिंग प्लस इसमें आपका आ, वो जे का टाइम एनालिसिस और तीसरा आपका इसमें इन्होंने डाल दिया बैलेंस स्कोर कार्ड ये कॉम्बो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट तो पूरा आपका आर से उठा के डाल दिया जैसे पार्ट वन टू थ्री जो है ये आर ऑफ डिविजन टू और ये आर को लेकर फिर रेसिडुअल इनकम को लेकर यह ऐसा क्वेश्चन आया और ये देखिए टाइम एनालिसिस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ डिलीवरी साइकिल टाइम तो ये सब पूछा वो लीन सिस्टम को लेकर और तीसरा बैलेंस स्कोर कार्ड को लेकर क्वेश्चन पूछा जो आठ मार्क का था ओके सो ये अगर समय देते तो क्वेश्चन कर पाते फोर नंबर क्वेश्चन में पार्ट ए में आप देखिए यहाँ पर आपको इन्वामेंटल कॉस्ट पर किलोग्राम बताया जो बहुत ही सिंपल सा है एक्टिविटी वाइज डिटेल दिया हुआ कॉस्ट को बांटना है ओके एक्टिविटी वाइज़ कॉस्ट को बांटना है तो ये बहुत ही आसान सा और एक ट्रिपल बॉटम लाइन का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा पीपल है कौन सा प्लानेट है कौन सा प्रॉफिट रिलेटेड है वो आपको खाली आइडेंटिफाई करना है पाँच में पाँच सही होगा तो पाँच का पाँच मार्क मिलेगा दोनों ही बहुत ईजी क्वेश्चन था और ये वाला अगर आप देखें तो इसमें आपको पूछा है वही एथिकल रीजंस बी एंड ड्रॉपिंग अ प्रॉफिटेबल क्लाइंट क्योंकि वो लोग इम्प्लॉय पे बहुत प्रेशर दे रहे थे तो इसलिए सीईओ ने क्लाइंट को ही छोड़ दिया तो क्या उसने अच्छा किया उसके ऊपर मन से लिखना है दो मार्क का बहुत इजी और थ्री क्वालिटेटिव फैक्टर्स फॉर आउटसोर्सिंग और मेक और बाय अभी आप अगर सोचोगे आँख बंद करके तो अभी पॉइंट्स आ जाएंगे ओके सो नेक्स्ट डिविजन ट्रांसफर प्राइजिंग पे क्वेश्चन है ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अपने लोग क्लास में किए हुए हैं और ये उसी को लेकर पूछा गया है सिमिलर क्वेश्चन एकदम क्लास में किए हुए और उसी को लेकर खाली प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन फिर इफ़ डिवीजन वाई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द न्यू सप्लायर और इफ़ वाई टॉप मैनेजमेंट शुड इंटरवेन एंड एडवाइस सुटेबल ट्रांसफ़र प्राइस तो ये सिमिलर क्वेश्चन आप अगर पेन ले कर ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो कर ही पाएंगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव ए ओ ई को लेके क्वेश्चन है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जिसमें आपको वो ही बताना है एंड उसके ऊपर कमेंट करना है छः माह का लॉटरी और टी क्यू एम और टी पी एम में कनेक्शन बताना है इसके ऊपर एग्जाम में पहले से भी एक केस स्टडी है जनरली हम लोग बोलते हैं टी क्यू एम करते हैं ना तो टी पी एम उसका एक पार्ट माना जाता है टी क्यू एम ज़्यादा ब्रॉडर है और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेकर एक क्वेश्चन आ गया जिसमें वेरिएबल ओवर हेड एक्सपेंडिचर और एफिशेंसी वेरियंस था और उसको लेके कुछ इंटरप्रटेशन करना था और कुछ कमेंट्स करने थे तो कमेंट्स छः और चार का रेशियो में रखा गया और इधर देखें अगर आप तो सिक्स से आपका मेक और बाय को ले क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी ऊपर में बताया मेक और बाय को लेकर क्वेश्चन है बहुत इजी सा सिमिलर क्वेश्चन करने लायक एकदम और ये लास्ट वाला फीडबैक फीड फॉरवर्ड को लेकर है कैश बजट को लेकर इसमें एक कंसर्न जगाया गया था जिसको लेकर हम लोगों का एक केस स्टडी भी ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में या एडिशनल क्वेश्चंस में आया हुआ है सो फीडबैक फीड फॉरवर्ड और कैश बजट को लेके कमेंट करना था तो ये भी आराम से करने लायक था तो बस बात यही थी कि दोस्तों हम पूरा कर पाए पेपर अटेम्प्ट कर पाए तो जो हमारे स्टूडेंट्स थे हम हमने उनसे फ़ीडबैक लिया कि आप सुझाव दो कि आगे वाले स्टूडेंट को क्या हम लोग एडवाइस करें जिससे उनका पेपर और अच्छा जाए अब मैं तो यहाँ पे वो खाली पेपर देख रहा हूँ मैं तो आपके जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर आठ एग्ज़ाम के बीच में एक एग्ज़ाम एक फेस नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं जब सॉल्व करूँगा तो अलग माइंडसेट में करूँगा आप जब सॉल्व करोगे तो अलग माइंडसेट में करोगे तो क्या उन स्टूडेंट्स का कहना था आपके लिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ उन स्टूडेंट्स का कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल द थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑल थ्योरी कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी खाली ऐसे नहीं कि खाली क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ बहुत सारा के स्टडीज़ आपके इंस्टीट्यूट मैट में नए मैट में फिर आर में फिर एम में हर बार एड ही हुए जा रहे हैं आपको वो उतना सारा थ्योरी क्वेश्चन को याद नहीं रखना है उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए जैसे वैल्यू फॉर मनी है तो क्या है क्यों है उसके तीन पार्ट क्या है बैलेंस स्कोर कार्ड है तो क्या है क्यों है उसके चार पर्सपेक्टिव क्या है ऐसे परफॉर्मेंस पिरामिड है तो उस पिरामिड क्यों कहते हैं वो परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करता है उसके कितने फेस होते हैं कितने उसके एरियाज़ ऑफ कंसर्न है वो सब आपको पहले पूरा मॉडल वॉडल पता होना चाहिए समझ में आया होना चाहिए उसके बाद तो भैया देखो एग्ज़ाम में आपको वो कैसे भी अप्लाई करने दे सकता है अब इसका मतलब ये नहीं कि खाली कंसेप्ट पढ़ के चले गए क्वेश्चन फिर पढ़ना जरूरी है केस स्टडी फिर पढ़ना जरूरी है कि वो कंसेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं उसका आंसर कैसे लिखा जा रहा है तो स्टेप वन अंडरस्टैंड ऑल थ्योरी कॉन्सेप्ट डोंट जस्ट मगोफाई एवरीथिंग स्टेप नंबर टू इज़ मस्ट रीड के स्टडीज़ ओके जितना क्वेश्चन है या थ्योरी क्वेश्चन जितना आपको दिया हुआ होता है अपने रेफरेंस मटेरियल में इंस्टीट्यूट से वो हमने अभी हाल में आपके लिए एक नया बुक बना रखा है कंपाइल्ड बुक जिसके लिए भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी तारीफ की कि सब एक जगह आ गया बार बार इधर उधर इधर उधर, उधर खोजना नहीं पड़ा बुक का नाम है एस सी एम दिव्य जड़ी बूटी सो so, वो बुक ऑब्वियसली सेलेबल है मार्केट में आप इजीली अवेल कर सकते हैं वेरी सुन वो बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल करा दिया जाएगा तो आप उसको अवेल करके जितना क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का थ्योरी प्रैक्टिकल सबको करिए तो थ्योरी क्वेश्चन के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के मन में ऐसा बैठा हुआ है ना कि एस पूरा थ्योरीटिकल हो गया है प्रैक्टिकल करना ही नहीं चाहिए ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल और थ्योरी अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना तो केस स्टडी पोर्शन को छोड़ देना तो पेपर 70 परसेंट प्रैक्टिकल है और केस स्टडी को ले ले तो पेपर अराउंड 65 परसेंट तो प्रैक्टिकल है ही है 65 से 70 परसेंट प्रैक्टिकल है 30 मार्क्स का थ्योरी कॉस्टिंग में हमेशा से आता जा रहा है पहले भी जब हम लोग भी एग्ज़ाम देते तब भी आता था उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका टाइप ऑफ आस्किंग क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी नहीं हुआ थे थोड़ा उन्होंने मॉडिफाई किया अभी और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है तो 30 से 35 माह का थ्योरी इज वाजिब है एकदम वायबल है हाँ प्रैक्टिकल में भी थोड़ा डिस्कस करने आइडेंटिफाई करने ऐड किया है जो अपने क्लास में प्रैक्टिस किए हुए होते हैं तो आराम से कर पाते हैं थर्ड इन्हों का कहना था प्रैक्टिस ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑल्सो ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस एटलीस्ट दो बार तो होना ही चाहिए एक बार ऐसे होना चाहिए कि आपका यू you नो know, आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं वो देखिए और दूसरी बार प्रैक्टिस इसलिए होना चाहिए कि उसमें जो कमेंट इंसर्ट करना है उसमें जो डिस्कशन इंसर्ट करना है वो कैसे करे इंसर्शन ऑफ कमेंट्स कैलकुलेशन के साथ साथ राइटिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिए उसका कैसे उसको लिखना है सॉल्यूशन तो आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं बट राइटिंग पैटर्न जो डिस्कस वर्ड है इंटरप्रेट वर्ड है एनालिसिस वर्ड है रेकमेंड वर्ड है उसके कारण कैसे चेंज होता है वो स्टाइल को भी ऑब्जर्व करिए वर्किंग नोट को और डिटेल में एक्सप्लेन करिए ये मेरे तरफ से ऐड किया गया है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें बट प्रैक्टिस करना जरूरी है ये हमारे सारे स्टूडेंट्स का कहना है वरना कोई पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा अब प्रैक्टिस स्ट्रैटेजिक होना चाहिए वरना प्रैक्टिस में टाइम बहुत लग जाता है जैसे हमारे एक स्टूडेंट का कहना था जिनसे हमें ये क्वेश्चन पेपर मिला सर मैंने 25 दिन कॉस्टिंग में निकाल दिया प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन करते 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 बट ऐसा लगा कि अब कॉस्टिंग में खाली प्रैक्टिकल ही किया अब जितना प्रैक्टिकल किया उसके बेस पे एग्ज़ाम पेपर देखने जाऊँ तो हो ही नहीं रहा था क्योंकि उसमें सब थ्योरिटिकल लग रहा था तो फिर मैंने और सात आठ दस दिन अप्रॉक्सिलेटली इन्वेस्ट किया कि मैं सारा इंस्टीट्यूट मैट का थ्योरी तो पढ़ूँ अब वो पढ़ने का ज़रिया आप कोई सर का मैट ले सकते हैं हमारा ये बुक ले सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट मैट पे ही आप चलिए ना उसको लेकर आप अपना इंस्टीट्यूट मैट का जितना रेफरेंस मटेरियल उसको पढ़िए फिर उनका कहना था कि सर जब पढ़ा ना तो बड़ा अच्छा लगा कि वर्ड्स कितना सेंसिबल है कितना कंपनी में जा के वो अप्लाई हो रहा है कंसेप्ट खाली पढ़ने में ही अच्छा नहीं है एज वेल एज़ उसको जब अप्लाई करे तो और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आ रहा है प्रैक्टिकल में भी कोई लास्ट में कोई कंक्लूजन दिया हुआ है तो कंक्लूजन भी पढ़ रहे तो वो सेंसिबल कंक्लूजन लिखा हुआ है हाँ इस एंगल से भी सोचना है ऐसे भी सोचना है ऐसे भी सोचना है सो so, आप पॉइंट ये है कि खाली क्लास का छोटा मोटा एग्जाम्पल करके चल जाएंगे नहीं होगा उससे तो अंडरस्टैंडिंग हुआ सेकेंड स्टेप हो रहा है खाली क्लास का सम्स देख के चल जाएंगे नहीं होगा आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे पूरा आना पड़ेगा सर आपका मैट में आप लोग का मैट में टीचर लोग का मैट में तो सब इंस्टीट्यूट का आ ही जाता होगा आ जाता है बट फिर भी आप नज़र तो डाल लो है कि नहीं अब वो डाला ही नहीं जाता आदत ही नहीं है सर इंस्टीट्यूट मैट खोलने का ही उसमें घबराहट हो तो उसका प्रोसेस ही अलग लगता है बट वो प्रोसेस को अब पकड़ना पड़ेगा आपका क्लास में कैलकुलेशन डिविएट कर सकता है बट कैसे उसको डिस्कस करते हैं वो आपको पकड़ना पड़ेगा दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेपर ओके सो ये सब चीज़ को लेकर ही आपको अब आगे बढ़ना है दोस्तों जब इसका सजेस्टेड आंसर आए आप इसको जरूर फॉलो करिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपके फ्यूचर एग्ज़ाम जो आप में 20 ट्वेंटी में या उसके बाद में दे रहे हो उसके पहले तक इंस्टीट्यूट से जितना भी आरटीपी एमटीपी आ रहा है वो सबको इकट्ठा करिए हर सब्जेक्ट का कॉस्टिंग का तो चलिए हमने दिव्य जड़ी बूटी बुक बना दी आप उसको भी ले सकते हो कि चलो सब अलग अलग नहीं करना पड़ेगा दिव्य जड़ी बूटी बुक की खासियत क्या हो रही है कि उसमें अगर कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना तो हमने वहाँ पे वो नहीं डाला है हमने उस क्वेश्चन के बगल में लिख दिया कि ये यहाँ पे भी आया यहाँ पे भी आया यहाँ पे भी आया यहाँ पे भी आया राइट हमने उसको रिपीट बार बार नहीं किया है सो so, उससे एक यूनिक सेट बन गया पूरा जो आपको करना ही करना है करेक्ट सो so, करेंट हमारे दिव्य जड़ी बूटी बुक में एक सौ छाछठ क्वेश्चन है वन सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन जिसको आप एस जे सी डॉट को डॉट इन से अवेल कर सकते हो एस जे सी डॉट को डॉट इन में जाके ई लाइब्रेरी सेक्शन में आप जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा करेंट में वन सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट मैट हमने निकाला है उसमें एक सौ छाछठ क्वेश्चन है और सब यूनिक है मतलब हाल दो इंस्टीट्यूट के मैट और आर टी पी एम टी को कंबाइन कर दो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे बट सारे यूनिक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे रखा है बाकी सिमिलर क्वेश्चंस के बगल में बस लिख दिया कि ये उसमें भी आया उसमें भी आया उसमें भी आया उसमें, भी आया, उसमें। जिसमें इंस्टीट्यूट से नाम चेंज कर कर करके पूछा जिससे पता चला कि इतना क्वेश्चन थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के विथ सल्यूशन आपको ये बुक दिया जा रहा है थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के विथ सल्यूशन ओके एस सी एम डी जे बी दिव्य जड़ी बूटी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को कॉस्टिंग में इतना करना है इसी तरह से हर सब्जेक्ट का आपको कंपाइलेशन करना होगा इंस्टीट्यूट का जो नया सिलेबस का फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा ओल्ड से डिफरेंट है just don't go blindly on your institute material. You have to compile all the sorry, i'm am saying blindly go on your tuition material. You have to compile all resources of institute also and ensure that you have done that or not. Class में कोई भी सर जब पढ़ेंगे, उनके पास limited time होता है. तो उसमें 100 प्रतिशत institute का ka cover करना कभी-कभी मुमकिन नहीं होता. तो वो 100 प्रतिशत आपको cover करना ही है. चाहे read करके करिए. Kar चाहे कैलकुलेशन करके करिए जैसा भी वो क्वेश्चन का स्टाइल है सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो सी यू सोन होपफुली यू अंडरस्टैंड वॉट वी वॉन्टेड टू कम्युनिकेट यू